कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन होंगे। किसकी राह कितनी आसान है और कितनी मुश्किल, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस ने इस सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 25 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार की राह आसान मानी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने किसी भी चमत्कार से इनकार किया है और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नहीं, इस क्रॉस वोटिंग इसमें है नहीं। आपको एक चीज बता दूं, क्रॉस वोटिंग है नहीं, क्योंकि जो भी वोटर दिखाकर डालना पड़ता है और जो वोट दिखाकर नहीं डालेगा तो उसको हमारा जो ऑथराइजेंट है इनवैलिड कर देगा। तो जब इनवैलिड कर देगा तो हाउस कम होता जाएगा, तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम।